కరోనా కోవిడ్ 19 కారణంగా 14 మంది ఒడిశా భవానీపట్నం గ్రామవాసులు బ్రతుకు తెరువు కోసం విజయవాడలో సివిల్ పనులకు వెళ్లారు. అయితే లాక్డౌన్ కారణంగా విజయవాడ నుంచి 23న బయలుదేరి కాలినడకన విజయనగరం జిల్లా బొబ్బిలి చేరుకున్నారు. పనులు లేక దాచుకున్న డబ్బులు అయిపోగా నడకదారిని మార్గంగా ఎంచుకుని ఒడిశా భవానీపట్నం గ్రామవాసులు స్వగ్రామానికి బయలుదేరారు. కాలినడకన నేడు బొబ్బిలి పట్టణానికి చేరుకున్నారు. सर कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग का दिक्कत है पैदल में थोड़ा जा रहा हूँ. हम लोग का गाड़ी एक अरेंज हो जाता तो सही रहता है सर. आपको किधर से आके किधर काम कर रहे हैं? हम लोग विजयवाड़ा में ही काम कर रहा था, सिविल काम सर. आपका गांव? गांव भवानीपटना कलाहंडी. आप किधर से, कितना दिन से आ रहे हैं? हम लोग 8 दिन हो गए सर. 8 दिन से चल चल के आ रहे हैं. रास्ते में खाना वगैरह अच्छा है? सब दे रहा है सर. सब दे रहे. ट्रीटमेंट भी हो रहा है सर. ट्रीटमेंट भी हो गया आपका? हो गया सर. सब कुछ हो रहा है सर. सब लोग अच्छा है अभी? अच्छा है. ओके सर. और हो गए बोलना. कोई भी टेंशन नहीं है, लेकिन हम लोग का एक गाड़ी अरेंज करता तो सही रहता है. सही रहता अरेंज. कोरोना वायरस से खाना का अरेंज नहीं हुआ, तो हम लोग का 2-3 दिन में ऐसा अरेंज हुआ, लेकिन हम लोग पैदल से चल रहे हैं. तो हम लोग रास्ता में खाना का दे रहे हैं, लेकिन गाड़ी रुकने में नहीं रुक रहा. तो हम लोग कैसे जा रहे हैं? विजयवाड़ा से आ रहा हूँ सर. हम लोग का एक कोरोना वायरस से हम लोग पैदल से आ रहा हूँ, लेकिन अरेंज हो रहा है खाने का सब.